नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सरफराज खान शिवम दुबे को विस्फोटक बल्लेबाज महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 19 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुंबई इंडियंस और आंध्र प्रदेश के बीच में भयानक मुकाबला खेला गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और इनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। 8 विकेट गंवाने के बाद 154 रन बनाए आंध्र प्रदेश ने, जहां पर सबसे ज्यादा रन रिकी भू ने बनाए। रिकी भू ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसके बाद दोस्तों कोई बल्लेबाज ज्यादा नहीं चल सका। और उसके बाद दोस्तों मुंबई की टीम उतरी मैदान में से स्कोर का पीछा करने के लिए। दोस्तों, मुंबई की टीम ने 5 विकेट के नुकसान से 156 रन बना डाले और 7 बॉल बाकी भी रह गई और इस मुकाबले को 5 विकेट से जीतने के बाद इतिहास रच दिया। मगर दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी सरफराज खान की। या दोस्तों, सरफराज खान ने मात्र 30 बॉलों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए, तो वहीं 2 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 176.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 53 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। और उसके बाद दोस्तों मैदान में तूफान आया शिवम दुबे का। शिवम दुबे ने नाबाद 44 रन की पारी खेली 27 बॉलों का सामना करते हुए, जिस दौरान 3 चौके तो वहीं 2 गगनचुम्बी छक्के शामिल हैं।